दरवाजा कुछ यहाँ से ऐसे दिखता है और जो कि काफी सही व्यू है यहाँ का। इसकी हाइट बहुत बड़ी है एंड मुझे इसकी फीट और मीटर्स में नहीं पता। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30। चाय की और चाय के साथ है फ्राई मटर, तो चलिए मस्त चाय पी लेते हैं। खाना आलू भरा पराठा और मेरा खाना निकल भी गया, वैसे मेरा खाना बाहर रखा हुआ है। तो अभी चल रहे हैं खाना खाने एंड फिर चलेंगे ये स्कूल आने। और आज भी एक डिफरेंट ब्लॉग के लिए फिर से निकलना है मुझे घर से, और बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। और खाना आ गया, आलू भर पराठा, हरी चटनी, मूली, दही नहीं है, सो सैड, लेकिन कोई बात नहीं, मस्त एकदम टेस्टी लग रहे हैं और मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। बज चुके हैं पूरे 2:13 और मैं निकल रहा हूँ एक स्पेशल ब्लॉग के लिए बाहर विकास के साथ। तो विकास गाइस, तो भी निकल रहे हैं इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम, जो कि नक्षत्रशाला है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला इसको कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम विकास के साथ इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम, जहाँ पे हमको देखने को मिलेगी राकेश शर्मा जी की, जो वो पहली बार गए थे स्पेस पे, वो सारी चीजें होंगी, म्यूजियम है एक तरीके से। ठीक है, इस तो फाइनली भी निकल चुका हूँ और विकास आ चुके हैं एंड हम लोग चल रहे हैं बाइक से। अभी हो चुका है हमारा पोपट, घर से तो हम निकला है बिना ये देखे कि आज खुला है कि नहीं। तो आज जो है इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम जो है वो ऑफ है, मंडे को ऑफ रहता है। तो अभी हम चल रहे हैं भूल भुलैया लखनऊ। तो अभी करने वाले हम एंट्री यहाँ से, तो चलिए करते हैं एंट्री और दिखाते हैं। गाड़ी तो कर दी पार्क और अब करनी है हमको इसमें एंट्री। इसका मेन गेट है वहाँ पे और वो है रूमी गेट, जिसका दरवाजा टूट गया, मतलब ऊपर से कुछ क्रैक आ गया जिसकी वजह से वो बंद है। और यहाँ पे है हमारी इमाम बाड़ा, इसको कहते हैं, इसको बड़ा इमाम बाड़ा कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में भूल भुलैया। तो ये है इमाम बाड़ा का मेन गेट, तो यहीं से करते हैं हम एंट्री। जब हमारा सुबह से हो रहा है पोपट, जब घर से निकले इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम के लिए तो भी हमारा पोपट हो गया क्योंकि आज वो बंद था। और जब पहुंचे भूल भुलैया तो यहाँ पर भी पोपट हो गया क्योंकि अंदर वहाँ ब्लॉगिंग कर नहीं सकते, इसलिए बाहर आके यहाँ पे रूमी गेट पे खड़ा हो। और रूमी गेट पे भी आ गई दरार, तो ये हो चुका पूरा बंद। गाइस, तो इसमें काम चल रहा है, ऊपर इसमें आ गई दरार, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं क्लॉक टावर की तरफ, जो कि है इस लोकेशन पे। गाइस, रूमी गेट दरवाजा कुछ यहाँ से ऐसे दिखता है और जो कि काफी सही व्यू है यहाँ का। टावर है रहा एंड इधर भी एक गेट है, तो उस तरफ से हम होते हुए आएंगे फिर चलेंगे क्लॉक टावर। ठीक है, इस तो अभी सुबह से हो गया है हमारा पोपट, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं। यहाँ पे भी आए थे हम पिक्चर गैलरी लखनऊ, यहाँ पे भी नहीं है। और अभी मिले हैं मेरे नए कुछ फ्रेंड्स जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए तुरंत, और ये एक्सप्लोर कराने वाले हैं हमको क्लॉक टावर लखनऊ। ठीक है, इस तो भैया का नाम क्या है? राहुल दुबे गाइस। तो एक भैया है राहुल दुबे, हेलो भैया। तो ये आज हमको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। और भैया आप? आर्यन। ये भैया आर्यन, तो राहुल भैया और आर्यन भैया मिलकर हमको एक्सप्लोर कराने वाले हैं घंटा घर। गाइस, यहाँ पे मैं आया था बस वीडियो बनाने के मकसद से, लेकिन जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ वीडियो अलाउड है नहीं। एंड गाइस, तकरीबन 150 साल पुराना है क्लॉक टावर में। तो क्या है भैया बताइए? ये बना था अपना 1881 में बना था ये। हाँ, तो और जो इसका मेन है इमामबाड़ा, हाँ, वो बना था 1784 में। ओके, तो इसमें ये जो क्लॉक टावर, इसका नाम इसलिए पड़ा है जी कि ये एक्यूरेट टाइम बताता है, जो अपने इंडिया में टाइम हो रहा है वो ये बताया गया टाइम। ओके, और जो इसके ऊपर आपको दिख रहा है जी चिड़िया जी, आज से 5-6 साल पहले। गाइस, तो मैं हूँ क्लॉक टावर के एकदम सामने और इसका व्यू लेने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत बड़ी है एंड मुझे इसकी फीट और मीटर्स में नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है एंड यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो टाइम है एकदम एक्यूरेट सेट है जो इंडिया में टाइम चल रहा है। गाइस, तो फाइनली अभी हम यहाँ से वापस हो रहे हैं क्लॉक टावर पे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और भैया लोग के साथ तो और ही अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने अच्छे से हमको ब्लॉग बनाने में हेल्प भी की, एक्सप्लेन भी किया, सारी बातें भी बताई। पीछे है क्लॉक टावर और ये है यहाँ पे तालाब बहुत बड़ा सा, जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। और यहाँ से सनलाइट आ रही है और पीछे इमामबाड़ा और रूमी गेट का दरवाजा दिख रहा है, तो काफी सही दिख रहा है। यहाँ का व्यू जो है वो काफी ऑसम है। तो अभी मेरे पीछे सतखंडा, इसको सतखंडा के नाम से जानते हैं, ऐसा अभी यहाँ के गार्ड ने बताया।
और ये देखने में काफी सही लग रहा है। यहाँ से आप जो व्यू देख रहे हो काफी सही लग रहा है। इसका नाम है सतखंडा और ये जस्ट अपोजिट ऑफ क्लॉक टावर के यहाँ पे, क्योंकि इसका व्यू काफी सही लग रहा है देखने में। वाव हे गाइस, तो अभी हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे भैया से, क्योंकि इन्होंने गार्ड से बात करके आई है। तो बताओ। तो गाइस जो ये है, हाँ? ये मोहम्मद अली शाह जी हैं। हाँ? वो बनवा रहे थे इसको। ओके? अपनी बेटी के लिए, मतलब पता नहीं बर्थडे के लिए देना चाहते थे क्या है, वो हम लोग नहीं जानते। अच्छा। और इसको ये भी कोई नहीं जानता कि ये बन किस लिए रहा था। ओके? तो मोहम्मद अली शाह जो है 3 मंजिले तक इसको बनवाया, उसके बाद तो वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1 मंजिला जो है उनकी बीवी ने बनवाया, मतलब की वो जो उनकी वाइफ थी। ओके? और उसके बाद फिर उनकी भी डेथ हो गई। ओके? इसके पीछे जो पड़ा है उसकी डेथ हो जा रही थी। अच्छा। इसीलिए जो है उनकी जो बेटी थी वो इसके पीछे पड़ी नहीं। अच्छा, तो उतने पे ही काम इसका अधूरा रह गया। बस उसके बाद ये अधूरा रह गया। बोलते हैं सब लोग कि ये जो है चांद देखने के लिए बनाया गया, कुछ लोग बोलते हैं कबूतर उड़ाने के लिए बनाया गया। अच्छा। बाकी किसी को नहीं पता बनाया किस लिए जा रहा था। अच्छा, तो यही इसकी कहानी। ओके, तो गाइस ये थी इसकी स्टोरी, ये थी इसकी हिस्ट्री जो कि भैया ने बताया, और ये भी गार्ड से पूछ के बता रहे हैं। ना इसके ऊपर जा सकते हैं, ना इसके अंदर जा सकते हैं। बस हमने कहाँ देखा, क्लॉक टावर को देखा, और ना इमाम बाड़ा देख पाया, ना बड़ा ना छोटा, कुछ भी नहीं देख पाया। और अब चल रहे हैं हम यहाँ से बाहर, एंड इसकी जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बताई दी। अभी मैं सबसे एंड में इसके, और यहाँ पे चारों तरफ पार्क वगैरह बना रखे हैं बैठने के लिए, और यहाँ पे आगे झील भी है। ये देखिए, इसके आगे यहाँ पे झील भी है जिसके ऊपर ओवरब्रिज भी है, और काफ़ी सही लग रही है। इसमें पानी तो वैसे बहुत गंदा हो चुका है। और ये थी इसकी हिस्ट्री, ये था 7 तल्ला जिसके बारे में मैंने बताया आपको। इसके आगे बहुत बड़ा सा पार्क बना रखे हैं, ये देखिए ये पूरा पार्क है, उधर लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। एंड गाइस अब फाइनली हम यहाँ से हो रहे हैं वापस, और अब है बाय बोलने का टाइम। भैया जी बाय बाय, बहुत 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 थैंक यू आप दोनों का। किसी और ब्लॉग में हम लोग कभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का कि आपने हमारे ब्लॉग को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, इतना मतलब उसके बारे में डीप से समझाया। चुके हैं रात के 10, और अब मैं जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट करने। खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 8 बजे। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।